हाँ भैया, जो अपन 8-8 इंच की दूरी पे दो दो दाना जो डाल रहे हैं, वो दाना दूर दूर डालने के भी एक कारण है भैया। दूर दूर रहे तो पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी, हवा, धूप, ये सब कुछ मिलते हैं। और अगर अपन कोई भी चीज़ लो, एक थाली में अगर 10 लोगों ला देवो तो वो जो है तो उनके पेट ना भरी, पर ये दो दो दाना है, दो दो अगर अपन दे रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमें खाना मिली, पानी मिली, हर चीज़ मिली है कि नहीं। कोई भी प्राणी ले जीक लायक 3-4 चीज़न की आवश्यकता होते हैं, हवा, खाना, पानी, ताप, तो ये सभी कुछ जो है पर्याप्त मात्रा में मिली। और वो अपन परिवार कहना चाहिए ओके जिन पीका है वो अधिक से अधिक निकलें, जब अधिक निकलें ओके पीका तो स्वाभाविक है अपन ला बाली भी ज़्यादा मिली, और बाली ज़्यादा मिली तब वो में अपन ला दाना भी ज़्यादा मिली। और अपन जो घाना डालते हैं भैया, वो लाइक जगह च नहीं मिले ना, वह तो ज़्यादा पीका दे पाए और ना तो बालिच निकाल पाए, और वो जो है तो आपस में खाना के लायक झगड़ा करते रहते हैं। अंततः जो है तो हम जैसे जम के निकलते वो दाना वैसे ही जो है तो झगड़े झगड़ा करत करत हम जो है बहुत कम उम्र में ही 2-4 दाना लेकर के और अपन जिंदगी समाप्त कर देते। ये ऐसे बहुत जरूरी है कि दूर दूर रहे, दूर दूर रहने से मतलब पर्याप्त खाना पानी हर चीज़ मिली और वो अच्छा तैयार हुई ओके परिवार कहना चाहिए, अधिक से अधिक पीका मिले। एक वजह से भैया अपन जो है तो 8-8 इंच की दूर दूर पे जो है तो दाना लगाते हैं, और पारंपरिक विधि में बीज की मात्रा जो है तो सबसे ज़्यादा लगता है और श्री विधि में बहुत कम लगते हैं। श्री विधि में अपन ला मात्र 10 किलोग्राम बीज ही लगते हैं, माने 2 किलो बीज लगते हैं, और अपन की जिन पारंपरिक विधि में है उनमें 50 किलो माने 10 कोड़े बीज लगते हैं। तो अपन ला बहुत फर्क आते हैं, ये 8 कोड़े की जो है तो अपन क्या बचत है जाहिर में, और अपन की श्री विधि में देखभाल भी बहुत अच्छा से होते हैं। और आप ये चित्र भी देख सकते हैं भैया कि ये चित्र में जो है तो श्री विधि से उगाए हरगे हुए जिन ऊपर में है वह, और जो नीचे में है वो अपन पारंपरिक विधि से उगाए हरगे हुए है। दोनों में कितना फर्क है, ऊपर वाले पौधा देख कितना अच्छा दिखते हैं, एक घना गुच्छादार। ये भैया के हाथ में जिन गेहूं के पौधा है वो जो है तो 2-4 ही ऐसे पीका लेकर खड़े हैं, और जिन दीदी के हाथ में है वो कितना मस्त इतना बड़े गुच्छा लेकर खड़े हैं। तो भैया अपन श्री विधि ला अपनाए, श्री विधि ला अपनाए और अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाए।